अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंजर बर्गर। केएफसी से भी बेहतर और बहुत डिलीशियस है और जूसी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ किलो चिकन लिया है बोनलेस और ऐसे स्लाइसेस में कर लिया है। इसे ऐसे टैप करेंगे हैमर से या मैशर से। देखिए ऐसा पतले स्लाइसेस हो जाना चाहिए और सारों को भी ऐसे ही कर लूँगी। देखिए यहाँ पे कटोरी ली है, 3 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून वेनेगर, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस डाल दीजिए। और ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसा, और यहाँ पे चिकन के ये ब्रश ऐसा डाल देंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसे हम 2 घंटे रेफ्रिजरेट करेंगे या ओवरनाइट करेंगे, तब बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेपरेट बाउल ले रही हूँ और 2.5 कप्स मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, पेपर 1/2 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे चिकन का ड्राई कोटिंग तैयार हो चुका है, इसे क्लोज करके स्टोर कर लेंगे हम। और यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लेंगे, 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस डाल लेंगे, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मायोनी डाल लेंगे, यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे और चिल्ली सॉस 1/2 टेबलस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे सारे सॉसेस को, और इसे ऐसे पाइपिंग बैग में हम डाल लेंगे। ये सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए इसे मैं कोन शेप में टाई कर लूँगी। यहाँ पे जो ड्राई कोटिंग हमने तैयार किया था वो और ठंडा पानी ले लेंगे। रेफ्रिजरेट किया हुआ चिकन को मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये चिकन के ब्रेस्ट को ऐसे डालेंगे और हल्के हाथों से ऐसे मैदे को कवर कर लेंगे अच्छे से। इसे देखिए ऐसा कोट हो जाना चाहिए, ऐसे मैदा ही होना चाहिए, चिकन का थोड़ा भी आपको नहीं लगना चाहिए हाथों को। देखिए अच्छे से कोट हो चुका है, यहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो चुका है। देखिए फिर हम ये ठंडे पानी में ऐसे डालेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से निकालेंगे और फिर से मैदे में कोट कर लेंगे जैसे कोट किया था। देखिए हल्के हाथों से ऐसे कोट करेंगे, देखिए तभी क्रिस्पीनेस आ जाएगा। अच्छे से मैदे को कवर कर लेंगे। देखिए ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करके, फ्लैश नहीं, थोड़ा भी नहीं दिखना है, ऐसे झाड़ लेना है। और इसे हम रैक पे रख लेंगे। सारों को मैंने ऐसे ही रख लिया है। देखिए ये यहाँ पे फ्राइंग के लिए मीडियम टू लो फ्लेम लेना है और ऐसे चिकन का ब्रेस्ट को डाल देना है और 3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है, छूना नहीं है। इसको दूसरी तरफ भी 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। देखिए टोटली 8 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं निकाल रही हूँ और दूसरा डाल रही हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए इसे क्राउड मत करिएगा, ऐसे सिंगल सिंगल पीसेस को डालिएगा, अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी फॉर्म लेयर फॉर्म हो जाएगा। देखिए बहुत लेयर्स फॉर्म हो चुके हैं जैसे केएफसी में होता है, देखिए वैसे ही। सारे पीसेस फ्राई करके हम रैक पे रख लेंगे ताकि सॉगीनेस ना हो जाए। यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बैग बना लिया है और फ्राइज़ को अच्छे से तल लिया था। तो केएफसी के साथ जो सर्व करते हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करते हैं, ये मैं भी इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करने वाली हूँ। पढ़ते हैं प्लेटिंग की तरफ। देखिए ऐसे बर्गर ले लेना है, फर्स्ट लेयर मायोनीज से कवर करना है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा नीचे की लेयर और ऊपर की थोड़ी सी, और यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट को ऐसे रखना है। फिर अमूल का ये स्लाइस डाल रही हूँ, चीज़ स्लाइस, उसके बाद आइसबर्ग डालेंगे और ये मस्टर्ड का सॉस डाल लेंगे। ये सारे सॉसेस को मिला के बनाया था, और इसको ऐसे सर्व करेंगे और पिन करेंगे, सारा इकट्ठा ही रहेगा। बहुत डिलीशियस जिंजर बर्गर से भी डिलीशियस। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।